पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचिम प्रयुर्दिशम। प्राचेतस दक्ष जी ने कहा कि तुम तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। एक बात आपको बार बार सुनने को मिलती है, तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। इसका मतलब है तपस्या करके सृष्टि विस्तार करोगे तो उसके चक्र में फंसोगे नहीं, और बिना तपस्या के सृष्टि विस्तार के चक्र में फंसे तो तुम स्वयं मलमूत्र की नाली के कीट मात्र बनकर रह जाओगे। ये रहस्य है। पहले तप करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लो, इसके बाद संसार में प्रवेश करो। अब तपस्या तो कोसों दूर चली गई। हम लोग स्वयं इतने विलासी हो गए, सुख सुविधा वाले हो गए कि तपस्या कोसों दूर चली गई। अब मनुष्य के जीवन में केवल भोग की प्रवृत्ति रह गई है। यही कारण है कि आकार प्रकार में मनुष्य के जिस जैसा दिखने पर भी आज मनुष्य मनुष्य नहीं है। जिस तत्व के चिंतन के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, परम कल्याण के लिए मानव देह उसे मिला था, उस दिशा में वह एक पग भी नहीं चल रहा है। तो ये सब पश्चिम दिशा की ओर चले गए। कहाँ गए? भारतवर्ष का महान तीर्थ जो कच्छ प्रदेश में, गुजरात के तीन भाग हैं, एक तो उत्तर गुजरात, एक सौराष्ट्र और एक कच्छ। तो कच्छ प्रदेश का महान तीर्थ नारायण सरोवर, बड़ी भारी महिमा है नारायण सरोवर की। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने नारायण सरोवर में कई वर्षों से, घोर अकाल था कच्छ क्षेत्र में और गोवंश बहुत अधिक पीड़ित था, पूज्य महाराज जी ने उस भयंकर अकाल की परिस्थिति में वहाँ की भूमि को हरी भरी और सुखी संपन्न बनाने का संकल्प लेकर के, गोवंश के परम हित का संकल्प लेकर के वहाँ सुरभि महायज्ञ गो नवरात्रि का अनुष्ठान किया था। और उस समय ये स्थिति थी सरोवर की कि इतना कम पानी था और इतना मटमैला था कि आचमन करने का भी साहस लोग नहीं कर पा रहे थे। हम तो गए, उसी में हमने गोता लगाया। तीर्थ तो तीर्थ है, वो कोई बाह्य स्वरूप चाहे जैसा दिखे, उसकी महिमा थोड़ी कम होती तीर्थ की। फिर तमाम लोगों ने साहस किया नहाने का, स्नान करने का, पर हम कह के आए थे कि ये पूरा भर जाएगा तो हम फिर एक बार खूब बढ़िया से तैरने आएंगे सरोवर में। और इसके बाद जैसे ही बरसात आई, गए उसके बाद नहीं गए, उसके बाद नहीं। इतना जोर पानी बरसा, मतलब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि बस रहन दो, अब जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा होगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। पूरा सरोवर लबालब, लोगों ने कहा हमारा 20 वर्ष में भरा सरोवर। हम पथमेड़ा में थे और यद्यपि वो चातुर्मास का समय था, यात्रा वर्जित थी, पर मैंने कहा महाराज जी से कहा, वहाँ कह के आए हैं, मनोती मान के आए हैं कि सरोवर भर जाएगा तो हम लोग चलेंगे। फिर हम लोग बाई रोड वहाँ से पथमेड़ा से कच्छ तक गए और खूब सरोवर में जल विहार, क्या कहना, खूब अद्भुत आनंद मिला वहाँ। ये वो महान तीर्थ नारायण सरोवर जिसमें संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनि त्रिकाल संध्या उपासन के लिए उपस्थित होते हैं, इस धरती का महान तीर्थ। मानस सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर, ये चार सरोवर
इनकी पुराणों में बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया। हमारे ब्रज में भी चंद्र सरोवर जहाँ हम लोग बैठे हैं, मान सरोवर और विमल सरोवर कामबन में, और एक और है कौन, कुसुम सरोवर है, हैं प्रेम सरोवर, कुसुम सरोवर, मान सरोवर और चंद्र सरोवर, यहाँ भी चार सरोवर विशेष रूप में है। तो नारायण सरोवर पर ये महापुरुष, जहाँ सिंधु नदी और समुद्र का संगम है, सिंधु आप इस समय पाकिस्तान में चली गई है, वहाँ से पाकिस्तान लगा हुआ ये है, तो सिंधु और समुद्र का संगम है और नारायण सरोवर नामक विशाल तीर्थ है, वहाँ जाकर के इन 10,000 हरियश्वों ने कठोर तप आरंभ किया। देवर्षि नारद जी हरिगुण गाते भय वीणा बजाते भय वहाँ पहुँच गए, बड़े प्रसन्न हुए, वाह एक सुपात्र मिलना कठिन है, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10,000 सुपात्र जिनके सबके अंतकरण पवित्र हैं, ऐसे भोले भाले बालक तपस्या में लगे हैं, भजन में लगे हैं। संसार में प्रवृत्ति धर्म तो खूब फैल रहा है, पर इन प्रवृत्ति में फंसे हुए जीवों को खोलने वाले तो कुछ महापुरुष चाहिए। यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबके सब बंधे हुए हों, सबके हाथ पैर बंधे हों, तो कौन किसको खोलेगा, खोलेगा कोई किसी को? और भले ही जितने लोग बैठे हैं सबके हाथ पैर बंधे हों और एक व्यक्ति के हाथ पैर खोले हों, तो वह एक व्यक्ति सबको खोल सकता कि नहीं खोल सकता? खोल सकता है। अरे खोलने में ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा, एक पैनी धार वाली छुरी ले ले, ऐसे ऐसे घिसता चला जा, सबके बंधन कट जाएंगे। ये जो निवृत्ति निरत संत होते हैं, वैराग्यवान संत होते हैं, जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, ये हम हमारे जैसे संसार के विषय में बंधे हुए जीवों को मुक्त करने के लिए सत्संग की छुरी, ज्ञान की छुरी, ज्ञान का खड्ग लेकर के आसक्ति अहंता ममता के बंधन को काट करके और बंधन में पड़े हुए जीवों को मुक्त कर देते हैं। इसलिए सृष्टि में जहाँ प्रवृत्ति धर्म आवश्यक है, वहाँ प्रवृत्ति में ही फंसकर लोग न रह जाएं, उनका जीवन व्यर्थ न चला जाए, इसके लिए कुछ विरक्त महापुरुषों की आवश्यकता भी सदा सर्वदा से संसार में रही है और आगे भी रहेगी।